Governors, good evening everyone. I congratulate and for this lovely little film which I see some songs and trailer. So mubarak ho aapko bahut bahut. Parfum Tiwari ji, Sunil ji, Kalpana ji, meri wife ki dost hai, Kalpana ji ki wife. Devansh is four group, unka jo band group hai. Unke liye bahut bahut mubarakbad ke एंटरटेनिंग यंग फिल्म है और देख के पता चलेगा और मज़ा आएगा, जितना मज़ा अभी आया उससे ज़्यादा मज़ा आएगा. और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद फॉर दिस म्यूज़िक लॉन्च. दिस इज़ द स्टार ऑफ द पिक्चर, मतलब आप पब्लिक के सामने आएगा, म्यूज़िक पब्लिक के सामने आएगी फिल्म, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. एंड विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम, द डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर, द म्यूजिक डायरेक्टर एंड ऑल द यंग एक्टर्स. कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड best of luck to everybody. Thank you. जो देखा मैंने, आई लव्ड इट सो मच. द प्रोमो इज सो फैंटास्टिक. थोड़ा सा एक झलक दिखी है एंड वाज वेरी फनी. एंड आई कांग्रेचुलेट प्रफुल्ल तिवारी जी एंड द एंटायर टीम ऑफ एक्टर्स एंड द क्रू एंड एवरीबॉडी एंड स्पेशली माय एल्डर ब्रदर मनीष भाई. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड सक्सेस फॉर दिस फिल्म एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. थैंक यू. वेरी गुड इवनिंग. I'll just like to repeat one thing. What Sunil Pali was a couple of days before to my house, just for a small get together on one request late night. He did come, and he had said something. जिसने race 2 नहीं देखी है, race 3 था ना सुनील? Yeah, yeah, yeah. तो वो पैसे बचा के रखिए आप और भागते रहो. God bless everybody in the entire crew and the film. सबसे ज़्यादा तो trailer बहुत अच्छा लगा. मैं भी इस film में हूँ. ट्रेलर में नहीं हूँ. वो सस्पेंस है. मैं दिल में हूँ, फिल्म में हूँ. ऐसे लखानी साहब कह रहे हैं. और लखानी साहब जो है, मैं इनके ऑफिस में जाता हूँ. इनके ऑफिस के लोग भी मेरे साथ मजाक, पता नहीं मुझे देख के लोग मजाक क्यों करते हैं. सतीश जी, मैंने इनसे इनकी रिसेप्शनिस्ट कहा कि योगेश है, तो बोले यू गेस. तो मुझे गेस करना पड़ा कि है कि नहीं. तो लाखों में एक इसलिए लखानी है. हर साल कम से कम 12 महीनों में 24 पार्टियां देते हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं. ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी भी फिल्म अभी अक्टूबर में आने वाली है और इसे अपने को होल्डिंग चाहिए. और बाकी मनीष जी, धन्यवाद सर. आप हमेशा मुझे अपने फंक्शन में बुलाते हैं, फैमिली मेम्बर समझते हैं. सुनील तिवारी जो हैंडसम और गुड लुकिंग है, और क्यों हंसी हो रहे हैं ना क्या. और प्रफुल्ल तिवारी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. इनकी पहली फिल्म है, बहुत मेहनत से बनाई इन्होंने. काफ़ी दिनों तक मेहनत थी तब जाके फिल्म बनी. तो आप सब तक ये फिल्म बड़ी मेहनत से पहुंची है. आई एम श्योर आपको देखने में बड़ा मज़ा आएगा. साथी कलाकार मेरे बहुत अच्छे हैं. गोभी बल्ला जो हमारे गुरु हैं, उस्ताद है कॉमेडी के, वो यहाँ पर मौजूद है. आप सबके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सब कीमती वक्त निकाल कर आए. लेकिन सारे प्रेस मीडिया से ये निवेदन करूँगा, इस हमारी फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने माध्यम के जरिए, अपने दोस्तों के माध्यम के जरिए लोगों तक पहुंचाए, ताकि इस फिल्म को देखने के लिए लोग इतनी भीड़ आए कि सुनील जी के पास, सुनील तिवारी के पास इतना पैसा है कि वो एक साथ में 7-8 फिल्में लॉन्च करें और काम के लिए भागते रहे. With that, I would like to the media and the team to join us soon with that project. My elder brother is here. His movie, so I have to come to wish him. Okay, क्या आपको पर्सनली कितना अच्छा लगा ट्रेलर? क्या कहना चाहेंगे? ट्रेलर मुझे बहुत ही फास्ट पेस्ड कॉमेडी में जो रिक्वायरमेंट होती है, एक फास्ट पेस्ड मूवी होनी चाहिए. कॉमेडी आई थिंक इज फैंटास्टिक. द ट्रेलर वाज वेरी गुड. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द होल फिल्म नाउ. ओके सर, क्या कहना चाहेंगे कि कितनी हौसला अफजाई होती है जब यू नो समबडी लाइक अमर हु इज हियर टू सपोर्ट योर फिल्म, टू सपोर्ट अमर इज हियर टू ब्लेस द मूवी, टू ब्लेस द कास्ट क्रू. And it's going to be a super duper hit, one of the best comedies of 2018. Okay, क्या strategy होगी? कितनी स्क्रीन में release करने की आपकी planning है और क्या promotion? 110. और सब क्या हो रहा है इन दोनों, क्या? अभी मेरा show just finish हुआ है, सोनी पे एक दीवाना था. अभी एक नया show शुरू हो रहा है कलर्स पे और that's going to be a triangle love story. That's what I'm looking for. कि पूरे चावल किस तरह के बने हुए हैं, तो ट्रेलर ने ये बता दिया कि फिल्म बहुत ही अच्छी बनी हुई है. फिल्म बांध के रखने में पूरी तरह से सक्षम है. मेरी शुभकामनाएं बहुत बहुत फिल्म के साथ हैं. और जैसा कि फिल्म का नाम है भागते रहो,
तो मैं यही चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से ये कहे कि भागते रहो और टिकटें खरीद के फिल्म देख लो, आशातीत सफलता प्राप्त करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। निसंदेह मेरी बिल्कुल दिली इच्छा है कि फिल्म उस क्लब में शामिल हो और बहुत ज़्यादा बिजनेस करे, बहुत ज़्यादा इतना धन कमाए कि जिस प्रकार से फिल्म बनी हुई है, मतलब एक एक पूरी टीम ने इतना अच्छा काम किया है, फिल्म में जितने भी कलाकार हैं सब ने बहुत अच्छा काम किया है और वास्तव में इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि फिल्म बहुत ही अच्छा फाइनेंशियली अपना कार्य करेगी और मैं चाहता हूं कि फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो। ट्रेलर के बारे में और क्या शुभकामनाएं देंगे? ट्रेलर के बारे में, मैं अभी ट्रेलर और म्यूजिक लॉन्च से बाहर निकला हूँ, फिल्म भागते रहोकर जिसके प्रोड्यूसर है सुनील तिवारी जी, हमारे मनीष भाई जी और डायरेक्टर है प्रफुल्ल भाई। स्टार कास्ट बहुत अच्छा है और ट्रेलर से पता चलता है कि गाने बहुत अच्छे बने हैं, आज के ज़माने के गाने हैं, यूथ के गाने हैं, हीरो हीरोइन बहुत यूथ और फ्रेश लग रहे हैं और कॉमेडी भी है, एक्शन भी है, इमोशन भी है, म्यूज़िक भी है। मतलब ये है कि एक फिल्म का टोटल जो मसाला होता है वो पूरा इस फिल्म में है। फिल्म का नाम ही है भागते रहो। आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में मैं चाहता हूँ कि नॉर्मल ज़िंदगी में जितने टेंशन है उनको भूल कर भागते रहो, छोड़कर फिल्म देखने आओ। फिल्म का नाम है भागते रहो और ये देखने के बाद में मुझे लगता है कि टेंशन कम हो जाएंगे और आप लोग इंजॉय करेंगे। पूछा सुनील जी से तो बोले यार ट्रेलर में जितना आप आ सकते थे उतना ही फिल्म में रोल है, तो फिर उन्होंने सस्पेंस रखा जोक से पार्ट। उन्होंने सोचा होगा कि शायद जो बेस्ट है उसके साथ, क्योंकि फिल्म में तो बहुत अच्छा काम है, आप देखेंगे तो मज़ा आएगा आपको। ट्रेलर एक मात्र माध्यम होता है लोगों तक पहुँचाने का शायद, लेकिन उनको मुझे अलग से कुछ करना था, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होने के नाते। भागते रहो जो है, मैं आज के ज़माने के हिसाब से मैं खुद भी बहुत भागते रहता हूँ, काम के लिए, परिवार के लिए, अपने आप के लिए, तो मैं सोचता कि ये हम हर आम आदमी की कहानी है भागते रहो। लेकिन साथ में इतना बड़ा एल और ये रिवॉल्वर कुछ अजीब भी लगा, लेकिन हाँ कॉमेडी का हिस्सा है तो क्या कर सकते हैं। आपसे जानना चाहूँगा जो लीड एक्टर, क्राइम पेट्रोल से यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा और हाउ यू बिकम पार्ट ऑफ दिस फिल्म? मतलब मैं ये बोलूँगा कि मुझे तो लगा नहीं था कि क्राइम पेट्रोल करते करते मैं ऐसी कॉमेडी भी कर पाऊँगा। वहाँ क्या था, वहाँ चाकू से मर्डर करो, कभी गन से मार दो, किसी को कुछ करो, बट यहाँ मतलब सारा क्रेडिट मैं प्रफुल्ल सर को देना चाहूँगा। प्रफुल्ल सर ने, जो हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस तरीके से अपने एक्टर्स के साथ काम किया है कि मुझे तो आज तक फील नहीं हो रहा कि मैंने पूरी फिल्म कर ली। मतलब बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, इट वॉज वंडरफुल एंड आई लव ट्रैवलिंग, वी ट्रैवल्ड फॉर दिस मूवी एंड बस एक्चुअली प्रफुल्ल सर की वजह से यू नो वी वर एबल टू डू दिस बिकॉज ही इज़ अ वेरी ग्रेट डायरेक्टर। और एक डायरेक्टर अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा पाए और एक्टर समझ सके, आई थिंक इससे बेटर कॉम्बिनेशन एक मूवी में कहीं नहीं हो सकता। ओके, हाउ 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 फार और गुड योर जर्नी हैज बीन, यू नो फ्रॉम टीवी टू द वेरी फर्स्ट फिल्म ऑफ योर्स, प्लीज मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग समवेयर, हाउ दिस रोल हैपेंड टू यू? सो एक्चुअली आई मेट प्रफुल्ल सर थ्रू समबडी एंड ही कॉल्ड मी आफ्टर अ वीक टेलिंग मी दैट देयर इज अ मूवी आई एम मेकिंग, सो वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट? आई सेड व्हाई नॉट। So I went for the audition and we had a good conversation and I was expecting a call, but I think Professor Char Mahine ke liye gayab ho gaye the and as usual we actors get rejected a lot, so I thought that maybe you know I didn't get the movie. So yeah, after 4 months he called me and he's like, can you come for the look test? I said yes, I can come for the look test. Look test hua, uske ek hafte baad script padhi, baat cheet hui and that's how I got the movie. Okay, aap dono se aakhri sawal, kya message dena chahenge ऑडियंस से, क्यों वो आए और भागते रहो का हिस्सा बने? क्योंकि हमने ट्रेलर देखी यार, बाकी भी ऑडियंस देखेगी, क्यों उस फिल्म का हिस्सा बने? आई थिंक वो ट्रेलर देखेंगी तो वो डेफिनेटली आना चाहेंगी बिकॉज इसमें एक से एक कलाकार है और डॉग इज एक्चुअली एन इंटरेस्टिंग पार्ट, सो आई एम प्रीटी श्योर यू ऑल विल बी वेरी क्यूरियस टू नो दैट व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द डॉग, बिकॉज एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है एंड द आंसर इज यू हैव टू वॉच द मूवी टू अंडरस्टैंड दिस। पूरे टाइम मज़ा आने वाला है, पूरे टाइम आपको बहुत एंटरटेनमेंट होगा, मींस वो जो कहते हैं एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, पूरा पैसा वसूल, बच्चों से लेकर के बड़ों तक, मींस जो भी एज ग्रुप के आए
सबको मज़ा आने वाला है। आप प्लीज़ आइए थिएटर में, और ये सीरियसली बहुत एक्साइटमेंट है इस फिल्म को लेकर के, हमें भी और आपको भी मज़ा आएगा जब आप थिएटर में आए, तो प्लीज़ आइए और बहुत मज़े लीजिए। और यार मेरे ध्यान में काफ़ी सवाल हो रहा है, पता नहीं कैसे दिल्ली वैली की याद आती है जब वो आप गिटार बजा के तोड़ते फोड़ते हैं, रिमाइंड मी ऑफ दिल्ली वैली, ये इंटेंशनली करा गया था? नहीं नहीं, ये सर का था कि इस फिल्म में एक मतलब एक पार्ट था इस फिल्म का जिसमें, बट वो गिटार तोड़ने का वो अभी हम वापस करने वाले हैं, मीन्स जो हम प्रमोशंस करेंगे उसमें गिटार वापस तोड़ेंगे, क्योंकि वो सीक्वेंस इतना मज़ेदार है, इतना फनी है कि वो गिटार तोड़ने का मेरे को ना अभी वापस है। वो जब गिटार तोड़ना था उसके बाद जितना भी हमने सीक्वेंस देखा, वो बाल पकड़ना एंड ड्रमर का भागना, It was all on the stage. मतलब वो कुछ प्लान नहीं था, and that is why it looks really funny. इसमें बहुत चीजें ऐसी थी जो कुछ प्लान नहीं था, मीन्स फिल्म के स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कुछ प्लान नहीं था, और सब ऐसे होता गया, सर्कमस्टेंसेस ऐसे आते गए, करते गए, मजा आता गया, तो मतलब हमको भी मजा आया और आपको भी मजा आने वाला। कैसे आपने? नहीं नहीं, ये जो रिवॉल्वर की बात हुई है, मैं इसमें कॉमिक डॉन बना हूँ, और ये जो रिवॉल्वर रखता है अपना, ये लुंगी के अंदर छुपा के रखता है, मतलब पैंट तो पहनता नहीं है, लुंगी के अंदर छुपा के रखता है, यहाँ साइड में लगा के रखता है। तो जो मेरा डायलॉग था अभी, अब ये चाबी नहीं रिवॉल्वर है, वो कुछ ऐसा मत सोचना, वैसा नहीं है, तो रिवॉल्वर ही है ऐसा करके। मतलब ओके रवि भाई, आपको कितना अच्छा लगा ट्रेलर, बहुत मौजूद है, क्या छोटी या बड़ी फिल्म मतलब योगेश भाई को? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई छोटी या बड़ी नहीं रहती है, हर इंसान दिल से फिल्म बनाता है, और हर एक का पिक्चर का कुछ ना कुछ धंधा अच्छा होते रहता है, और बहुत ही कॉमेडी और एकदम क्लासी मूवी है। और आजकल के जीवन में सब काम में और जीवन जीने के लिए भागते रहते हैं, और भागते रहते हुए टाइटल से कुछ खुशी मिल रही है, हंसने को मिल रहा है, स्ट्रेस कम हो रहा है, तो ऐसी मूवी फैमिली वाली नीट एंड क्लीन मूवीज बननी चाहिए, जो आज के दौर का सही में अच्छा फिल्म है और इनका ब्राइट फ्यूचर है। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। आपने देखा ही एफ आई आर किया, 9 साल में कुछ कर ही नहीं पाया, मतलब 9 साल हमारे 25 दिन ब्लॉक होते रहे वहाँ पे। अभी मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ, मैं मतलब इनका आशीर्वाद चाहिए लखानी जी का, मैं फिल्मों में भी थोड़ा बहुत अपना अभी कर रहा हूँ, मैं फिल्म एक और कर रहा हूँ कृष्णा के साथ, और एक खेर साहब के साथ है फिल्म वो भी, और बाकी 2 पंजाबी फिल्म कर रहा हूँ अभी, उनकी शूटिंग अक्टूबर नवंबर में होगी, क्योंकि ग्रीनरी चाहिए होती है वहाँ पे। बस यही है अभी, जरा फिल्मों में अभी जरा मज़ा आता है काम करके, कॉमेडी में सीरियस तो लेते नहीं लोग हमें, बस यही है मामला। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इट स्टार्टेड ऑफ बिकॉज ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग दैट वी हैड मेड, सॉरी, द फर्स्ट सॉन्ग दैट वी हैड मेड फॉर द सॉन्ग वॉज बिजूरिया, एंड दैट वॉज द होल स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट करते करते शुरू किया, हमने देखा यार एक गाना बना, चलो अच्छा कुछ अलग बन गया, लेट्स जस्ट मेक सम मोर, दैट वॉज द डायरेक्टर सेट। तो हम वही करते करते बस अच्छे गाने बनते चले गए। Something on the lines of Bhojpuri with, you know, the non-traditional music. So we started composing the lyrics and everything, arranged the lyrics in English, and then we, you know, experimented with that. So it, you know, it just came out of somewhere and, you know, struck the right point. So that's how it, you know. Yeah. Okay, the moment I see Shankar, who's Hassan and who's Brian. ये आप लोग डिसाइड करो, हम तो बेसिकली हम सब क्वेश्चन मार्क है, वी डू एवरीथिंग और लाइक जो भी हम सब लोग करते हैं टर्न बाय टर्न, व्हाट एवर कम्स, सो दैट्स व्हाट वी डू, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ टीम वर्क आई थिंक, सो नोबडी रिवील्स द सीक्रेट्स। थैंक यू सो मच। जाना चाहूंगा क्या किरदार निभाते नजर आएंगे संजू की आपने हाल में? जी जी, बस आप लोगों की दुआ, आप लोगों का आशीर्वाद है, आज जो कुछ भी हूँ मैं, जितना जो कुछ लेके आया हूँ लखनऊ से, वही मेहनत का सिला आप लोगों की आशीर्वाद और आप लोगों की मोहब्बत का सिला मिल रहा है। यस, और इन्हीं ने बहुत सताया है फिल्म में, बहुत सताया है, और मैं इस फिल्म में एक हारमोनियम प्ले कर रहा हूँ, जिसमें हारमोनियम प्ले करता हुआ किरदार निभा रहा हूँ, और मेरे साथी हैं 7 लोग हैं जो इस पूरी फिल्म में भागते हुए नजर आ रहे हैं और पूरा हीरो का सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग एक टीम यूनिट बनके। ये मेरे नीतीश बहुत अच्छे फ्रेंड हैं इसमें, और ये मेरे डमरू जी हैं उसमें बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, मेरी 7 कॉमेडियन पूरे इसमें हैं जो अभी नज़र नहीं आ रहे, मैं इंशाल्लाह अगर थोड़ा सा वक्त देंगे तो उनको भी समेट के लाऊंगा। मैं चाहता था कि सबके साथ बाइट दूँ, और ये इनसे भी आप कुछ है ना सवाल पूछें, तो इनका क्या? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा काम करने का, और बहुत कुछ सीखने को मिला, और जो फिल्म है पूरी, जो स्टोरी चलती है कॉमेडी बनाकर,
और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप लोग देखिए फिल्म और जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे फिल्म को तो बहुत अच्छा होगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मुझे मज़ा आया टीम के साथ में काम करने में, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। थैंक यू सो मच। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि इस फिल्म में जिसकी वजह से मैं आया वो मीसम जैदी करके हैं, वो इस फिल्म के एसोसिएट डायरेक्टर हैं और उनकी बदौलत मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ। और सबसे उनसे भी ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ प्रफुल्ल तिवारी सर का, जो इस फिल्म में हम लोगों को बखूबी फुल मेहनत कराई और हम लोग को एक बहुत अच्छा कॉमेडियन बना के पेश किया आप लोग के सामने। थैंक यू।